आई पंचिंग मशीन खरीद सकते हैं और इस मशीन के जरिए आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। और इस मशीन के जरिए आप दो तरह से कमाई कर सकते हैं। यदि आपका बजट ज्यादा है तो आप खुद से रॉ मटेरियल्स खरीद बॉक्स तैयार कर मार्केट में बेच सकते हैं, या फिर आप अलग अलग कंपनियों से कॉन्टेक्ट कर उनकी प्रिंटेड सीट को अपने यहाँ कार्ट पर सीट के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ के लोगों ने अलग अलग कंपनी से बात करके रखी और उनके सीट अपने यहाँ कार्ट पर सीट का 50 पैसे से 1 रुपये तक चार्ज करते हैं। और इस मशीन को उनके फैमिली मेंबर का हर इंसान चलाता है और 8 घंटे काम करके 10 से 15 हजार सीट्स बड़ी आसानी से काट लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो में जो प्रिंटेड सीट कट रही है वो पेपर कप के ब्लैंक है, यानी इसी कटे हुए ब्लैंक की मदद से पेपर कप तैयार होते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इस मशीन के जरिए प्रोडक्ट्स को तैयार करने की, तो इस मशीन के जरिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे स्वीट बॉक्स, मोबाइल फोन के बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, चप्पल के बॉक्स, परफ्यूम के बॉक्स, पेपर कप ब्लैंक, आइसक्रीम कप ब्लैंक या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इस मशीन के बिना नहीं तैयार हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि बॉक्स तैयार होते कैसे हैं। और उसके लिए सबसे पहले पेपर की शीट्स पे प्रिंटिंग की जाती है, अगर प्रिंटेड बॉक्स बनाने हैं तो। और फिर प्रिंटेड शीट्स को इस मशीन के जरिए उसे उस बॉक्स के साइज में काट लिया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको प्रिंटेड बॉक्स बनाने हैं तो प्रिंटिंग आप कहीं बाहर से भी करा सकते हैं, इससे आपके प्रिंटिंग के सेटअप का सारा खर्चा बच जाएगा। और छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। और बिजनेस चल जाने के बाद आप प्रिंटिंग मशीन भी खरीद सकते हैं और वहीं प्लेन बॉक्स बनाने के लिए पेपर की शीट्स को डायरेक्टली उसे इस मशीन के जरिए काट लिया जाता है और काटे हुए पेपर को फोल्ड करने के बाद बॉक्स तैयार कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, एग्जांपल अगर हम सीट बॉक्स का ही ले लें तो इस मशीन के जरिए इसे बनाना काफी आसान है। और इसी तरह हम इस मशीन की मदद से और भी तरह के बॉक्स बना सकते हैं। हमें मशीन में केवल डाई सेट करनी होती है और पेपर शीट को इस मशीन में डालना होता है और उस डाई की मदद से ये मशीन पेपर शीट को बॉक्स के आकार में काट देती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ऐसे बॉक्स हमारे यहाँ शादी पार्टी फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, या फिर हम अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, बेकरी शॉप से ऑर्डर ले उनके ब्रांड के बॉक्स तैयार कर सकते हैं। या स्वीट बॉक्स के अलावा और भी अलग अलग तरह के बॉक्स इस मशीन के द्वारा बना मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ी मार्केटिंग पे ध्यान दें और कुछ अच्छे कस्टमर बना लें अपनी लोकल मार्केट में, तो आप बहुत जल्द अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट पता करनी होगी और उसके हिसाब से बॉक्स को तैयार करना होगा। और इसके साथ ही साथ अपने एरिया के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर से भी कॉन्टेक्ट कर उनके जरिए भी बिजनेस को प्रमोट करना होगा। और दोस्तों, मेरा दावा है कि थोड़ी सी मेहनत, प्लानिंग और अच्छे मार्केटिंग के जरिए आप बहुत जल्दी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें इसे बनाने में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की, तो इसका मेन रॉ मटेरियल्स पेपर है और ये पेपर आपको बाजार में 20 रुपीज से 40 रुपीज पर केजी तक मिल जाएगा और इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं। पेपर अलग अलग जीएसएम में आते हैं और अगर हम कम जीएसएम वाले पेपर खरीदते हैं तो वो सस्ते मिलेंगे और ज्यादा जीएसएम वाले महंगे। और हमें जैसा बॉक्स बनाना हो उस बॉक्स की क्वालिटी के हिसाब से ये पेपर हम बाजार से खरीद सकते हैं। और नॉर्मली बाजार में जो बॉक्स बिकते हैं वैसे बॉक्स आप 1 केजी पेपर के जरिए 500 से 700 पीस बना सकते हैं और यही बॉक्स बाजार में 20 पैसे पर पीस से 1 रुपीज पर पीस के हिसाब से बिकते हैं। और अगर आप किसी कस्टमर के लिए प्रिंटेड बॉक्स बनाते हैं तो आप नॉर्मल बॉक्स से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ उसे बाजार में बेच सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये कैलकुलेशन बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि पेपर का जीएसएम कितना है और पेपर की सीट से आपकी वेस्टेज कितनी जा रही है, इसलिए मैंने केवल एक अनुमान बताया। तो ये मशीन आपको अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अलग अलग प्राइस में मिल जाएगी और मार्केट में ये मशीन अलग अलग साइज और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ उपलब्ध है, जैसे 20 इंच × 26 इंच, 22 इंच × 32 इंच, 25 इंच × 37 इंच, 32 इंच × 42 इंच या 42 इंच × 62 इंच। और मार्केट में जो मशीन है वो 1 घंटे में 800 बार पंच करने से लेके 3000 तक पंच कर सकते हैं और मशीन का प्राइस भी उसके साइज और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। और मशीन में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा होता है जिसके जरिए आप पंच करने की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद ये मशीन पंच करे। और आप इस मशीन के जरिए पेपर शीट्स के अलावा रबर, लेदर, पॉन्ज रबर, ड्यूप्लेक्स बोर्ड, कार्डबोर्ड, पीवीसी और प्लास्टिक शीट को भी काट सकते हैं। और अगर बात करें इस मशीन की ट्रेनिंग की, तो इसे ऑपरेट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद इस मशीन को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं और वहां से आप ये मशीन खरीदेंगे, आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।